व्यूअर्स, हम हैं शाहीन अंसारी। आज हम बना रहे हैं चिकन भुना मसाला। इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए, आधा किलो चिकन, धनिया, ज़ीरा, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी, ज़ीरा, नमक, कोरिएंडर पाउडर, काली मिर्च, कुछ खड़े गरम मसाले हैं और टमाटर, ऑनियन, कोथमीर, मिर्ची, अदरक, लहसुन। एक पैन ले लीजिए, उसमें आप हाफ कप इतना तेल डालिए, अच्छे से गरम करिए और खड़े मसाले जो हमने आपको बताया है वो ऐड करिए। थोड़ा चटकने दीजिए तेल में, खुशबू आए तो फिर उसमें ऑनियन डालिए, ऑनियन को भूनिए, गुलाबी करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। एक जार लीजिए, उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, टमाटे, ये सब कुछ डाल के इसका पेस्ट रेडी करिए। अब ये जो कांदा लाल हो रहा है इसको यही कलर करना है पिंक, और उसमें एक गिलास पानी डालिए और अच्छे से इसको मिक्स करिए। ज़रूर बनाइएगा, ये रेसिपी बहुत अच्छी है। धनिया, ज़ीरा आप भून लीजिए हल्का। अच्छे से भूनिए, बिल्कुल काला नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा भूनना है इसको और इसको क्रश करना है। अब चेक करिए कांदे को, मिक्स करिए। उसमें चिकन डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स करिए। चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगा, इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है। और जो हमने पीस के रखा है टमाटर, मिर्चों का मसाला, अदरक लहसुन का, वो अब इसमें ऐड करिए। और जितने सूखे मसाले आप बताया है वो सब डालिए। अच्छे से मिक्स करिए इसको, बहुत ज़बरदस्त बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिए एक मरतबा। ये दावतों पे बनाइए, बहुत अच्छा सूखा सूखा मसाला, रोटी से खाइए, चावल से खाइए। अब थोड़ा पानी डालिए आसपास, ढक के उसको पकने दीजिए। और वो अक्का धनिया, ज़ीरा है उसको कूट लीजिए, क्रश करिए। अच्छा फाइन, आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग देखते हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, करिए तो अच्छा लगता है। अब चिकन को भूनिए, अच्छे से भूनिए। अच्छा तेल ऊपर आ गया है, देखिए। अब वो जो हम क्रश करके रखे थे वो उसमें ऐड करिए, धनिया, ज़ीरा और एक चम्मच गरम मसाला, टीस्पून ऐड करिए। अच्छे से मिक्स करिए, चिकन चेक कर लीजिए। कोथमीर, हरी मिर्च डालिए, ज़रूर ट्राई करिए। और अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए।